Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, पिता पर पूत, घोड़े पर घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये कहावत कैसे लागू होती है एक व्यक्ति के ऊपर और आज उस व्यक्ति को मिल गई है चेतावनी, इसके ऊपर बात करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट में। तो दोस्तों, बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, लगातार जो है, जैसे मैंने शुरू में कहावत कही, तो ये जो गुंजी है, तो जो जावई साहब है, तो ये लगातार अपनी ढिठाई की बातें करते आ रहे हैं, लगातार कुछ ऐसी ओछी हरकतें करते आ रहे हैं जो कि द्वारका बाई साहब नहीं चाहती कि वो करें। तो यहां पे द्वारका बाई साहब की मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि द्वारका बाई साहब की ख्वाहिशी है, इच्छा है कि उनका जवाई जो है, उनकी बेटी का पति जो है राजा बने, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खंडेराव से ज्यादा वो लायक लगता है। लेकिन अब उनकी हरकतों को देखते हुए उनको अब शक होने लगा है उनकी लायकता के ऊपर। तो द्वारका बाई साहब दरअसल चाहती है कि गुनू जी अपने गुणों की वजह से जो है युवराज बने, गुणों की वजह से गद्दी के वारिस बने, अपने अपनी इन चीजों की वजह से नहीं। क्योंकि कहीं पे भी किसी हालत में वो बार बार कहती है कि मालवा का या परिवार का, होलकर परिवार का नुकसान वो भी नहीं चाहती है। अभी तो आगे अगर जमुना की सबकी बातें उनको पता चली तो वो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली तो उनके अंदर में भी बहुत बड़ा आगे जाके बदलाव आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने आखिरी चेतावनी देते हुए ये कहा है कि मुझे आपके ऊपर बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि अंदर से तो समझ तो वो गई है कि ये बेईमानी कहीं ना कहीं कर रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, अगर जिस दिन मुझे इनके ऊपर पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ, तो वो दिन मुझे मौत से भी मेरे लिए बदतर होगा। ये कहा, कहीं ना कहीं ढकी छुपी धमकी दे दी है उन्होंने अपने जावई साहब को, गुनू जी को। तो अब देखते हैं, गुनू जी तो खैर वो है, कहते हैं कि कुकर की दुम जो कुत्ते की दुम है, जो कि कभी सीधी नहीं हो सकती है, वो सीधी नहीं होंगे, क्योंकि जो मैंने कहावत कही थी कि पिता पे पूत, घोड़े पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, जैसा बाप ने संस्कार दिए हैं, जैसा उसको बनाया है, जो है घमंड की, एरोगेंस की, घटियापन की, बेईमानी की, सबकी मिट्टी लगा लगा के उसको बड़ा किया है, तो वो तो वही करेगा जैसी परवरिश है। वो कहते हैं ना कि बच्चे को, बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, बच्चे को जैसे बनाया जाता है वो बन जाता है। तो अब आगे जाके कब खुलेंगी द्वारका भाई साहब की आंखें, ये देखेंगे। तो आपको क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। धन्यवाद।